गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रकृति के आधार पर और वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण समझ लेने के पश्चात आज हम बहुत फिजिकल फीचर्स के आधार पर जो मुद्रा का वर्गीकरण है उसको समझने का प्रयास करते हैं। भौतिक स्वरूप के आधार पर जो मुद्रा का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला है कमोडिटी मनी यानी वस्तु मुद्रा। वे वस्तुएं जो विनिमय के माध्यम एवं क्रय शक्ति के संचय के रूप में प्रयुक्त होती हैं, वस्तु मुद्रा कहलाती है। प्राचीन काल में मुद्रा के स्वरूप निश्चित नहीं होने से पशु, सीप, हड्डियां, खालें, अनाज आदि वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाती थी। दूसरा है फिजिकल फीचर्स के आधार पर मुद्रा का जो वर्गीकरण है, दूसरा प्रकार है धात्विक मुद्रा यानी मेटालिक मनी। वह मुद्रा जो किसी धातु विशेष या धातुओं के मिश्रण से निर्मित होती है धात्विक मुद्रा कहलाती है। जैसे स्वर्ण और रजत मुद्राएं। धात्विक मुद्रा को तीन प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। पहली है प्रमाणिक या मानक मुद्रा, जिसको स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। प्रामाणिक मुद्रा को मानक या पूर्णकाय मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसका आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य समान होता है। ये प्राय स्वर्ण अथवा रजत से निर्मित होती है और इसकी जो विशेषताएं हैं, पहली तो विशेषता है वो है कि ये किसी भी राष्ट्र की प्रधान मुद्रा होती है। दूसरा, इसका आंतरिक और अंकित मूल्य समान होता है। तीसरा, यह असीमित विधिग्राह्य होती है और इस प्रकार की मुद्रा का टंकण जो है वो स्वतंत्र और निःशुल्क होता है। और दूसरे प्रकार की जो कमोडिटी जो मनी है मेटालिक मनी में, वो है सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी। सांकेतिक मुद्रा साधारण जो है अथवा घटिया वस्तुओं से निर्मित होती है तथा छोटी राशि के भुगतानों के लिए प्रामाणिक मुद्रा की सहायक मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। और इसकी जो विशेषता है वो है ये सीमित विधिग्राह्य होती है। सांकेतिक मुद्रा की सहायक मुद्रा होती है, सॉरी प्रामाणिक मुद्रा की सहायक मुद्रा होती है। इसके अंकित और वास्तविक मूल्य में पर्याप्त अंतर होता है, इसका स्वतंत्र टंकण नहीं होता है। और नेक्स्ट जो है वो है गौण मुद्रा, मेटल जो आपका जिसको हम जो जो कमोडिटी मनी का जो मेटालिक मनी का तीसरा जो प्रकार है वो है गौण मुद्रा यानी सेकेंडरी मनी। सांकेतिक मुद्रा की सहायता मुद्रा जो है वो गौण मुद्रा कहलाती है, जो साधारण धातुओं से निर्मित होती है। यह अति अल्प राशि के लेन देन की सुगमता के लिए जारी की जाती है। प्रायः सभी गौण मुद्राएं सांकेतिक मुद्राएं होती है। फिर तीसरा जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स, तीसरा प्रकार है पेपर मनी यानी पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा राज्य सत्ता अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा एक विशेष कागज पर लिखा हुआ प्रतिज्ञा पत्र होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है, जो पत्र पर अंकित निश्चित राशि धारक को देने का वचन देता है। अपने नोट पर किसी भी 50, 100 या 500 रुपए के नोट पे आप ये पढ़ सकते हैं, मैं धारक को वचन देता हूँ, इस तरह से आप लिखा होगा उस पर। और सर्वप्रथम 9वीं शताब्दी में चीन में पत्र मुद्रा का प्रयोग हुआ था। पत्र मुद्रा मौद्रिक अधिकारी द्वारा एक निश्चित विधान के अंतर्गत निर्गमित की जाती है और इसके पीछे नियमानुसार स्वर्ण अथवा विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखी जाती है। देयर इज अ डेफिनेट रिजर्व केप्ट बिहाइंड दिस। और भारत में 1 रुपए का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अन्य सभी प्रकार के नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। ये सब आपको जानना जरूरी है। और पत्र मुद्रा यानी पेपर मनी जो है वो 4 टाइप्स का होता है, रिप्रेजेंटेटिव, कन्वर्टेबल, इनकन्वर्टेबल और फिएट। एक एक करके हम इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है हम लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी यानी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा जो है वो उसको जारी करने का मुख्य उद्देश्य धात्विक सिक्कों की छीजक या घिसावट के रूप में होने वाली धातु की हानि को रोकना था। और प्रतिनिधि पत्र मुद्रा स्वर्ण अथवा रजत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, अर्थात जारी की गई पत्र मुद्रा के मूल्य के बराबर स्वर्ण अथवा रजत के कोष रखे जाते हैं और पत्र मुद्रा इन बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तनशील होती है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, देखिए प्रतिनिधि पत्र मुद्रा जो है
पहली बात तो यह है कि ये जो है इसके पीछे शत प्रतिशत मूल्य के बराबर सोना या चांदी का कोष रखा जाता है। दूसरा, केंद्रीय बैंक जो है प्रतिनिधि मुद्रा के बदले धारक को मुद्रा के अंकित मूल्य के बराबर स्वर्ण या रजत देने का वचन देता है। और इसका गुण जो है वो इस प्रकार से है कि स्वर्ण अथवा रजत की सीमित उपलब्धता के कारण प्रतिनिधि पत्र मुद्रा को अत्यधिक मात्रा में हम निर्गमित नहीं कर सकते हैं रिजर्व बैंक। और प्रतिनिधि पत्र मुद्रा जो है वो बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तनशीलता के कारण इसमें जनता का विश्वास अधिक होता है, ये भी एक विशेषता है, गुण है इसका। और इस मुद्रा प्रणाली में धातुओं की घिसावट नहीं होने से ये एक मितव्ययी मौद्रिक व्यवस्था प्रदान करती है। पर कुछ दोष भी हैं इसके कि इसमें पर्याप्त लोच का अभाव होता है और जितना हमारे पास मूल्यवान धातुएं हैं उपलब्धता उसके हिसाब से ही इसको निर्गमित किया जा सकता है। और संकट के समय हम ज्यादा नोट नहीं छाप सकते हैं, एक लिमिटेशन या सीमितता है। फिर निर्धन और अर्धविकसित देशों में मूल्यवान धात्विक कोष की कमी के कारण प्रतिनिधि पत्र मुद्रा असुविधाजनक हो जाती है। फिर बहुमूल्य धातुओं के कोष में रखे होने के कारण उनका अन्य उपयोग संभव नहीं होता है, तो कई वर्षों तक जो है कोष संग्रहण में अनुपयोगी पड़े रहते हैं। दूसरा प्रकार है पेपर मनी का, वो है परिवर्तनीय पत्र मुद्रा यानी कन्वर्टेबल पेपर मनी। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा क्या है? ये वो मुद्रा होती है जो मौद्रिक अधिकारी द्वारा धारक को विकल्प के रूप में बहुमूल्य धातु अथवा प्रामाणिक मुद्रा में परिवर्तनीय होती है। अब इसकी विशेषताएं देखिए, परिवर्तनीय जो पत्र मुद्रा है वो सीमित धात्विक कोषों के आधार पर निर्गमित होती है। फिर ये जो है वो धात्विक कोषों की तुलना में अधिक होती है इसकी जो मात्रा। और यह सिद्धांत फिर इसका जो है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा जो है वो प्रामाणिक अथवा मूल्यवान धातुओं में परिवर्तनशील होती है। विदेशी भुगतानों के लिए धारक को अपनी मुद्रा के बदले निश्चित दर पर स्वर्ण या रजत प्राप्त होता है। और इसके जो गुण हैं, कतिपय जो गुण हैं वो इस प्रकार से हैं, इस प्रकार की मुद्रा जो है धातुओं में परिवर्तनशीलता के कारण जो इसमें जनता विश्वास की जो मात्रा है वह अधिक होती है। मितव्ययी प्रणाली है, लोचदार प्रणाली है, और विदेशी भुगतान इसके इसमें करने से सुगमता रहती है। फिर कुछ दोष भी हैं इसके, जैसे परिवर्तनीय पत्र मुद्रा में मुद्रा की परिवर्तनशीलता सैद्धांतिक होती है, क्योंकि निर्गमित पत्र मुद्रा की तुलना में धात्विक कोष सीमित होते हैं, इसलिए मुद्रा की जो परिवर्तनशीलता है वो मात्र एक भ्रम है। और शत प्रतिशत इसके पीछे जो कोषों का अभाव रहता है कई बार, इसलिए जनता का विश्वास भी इसमें कम रहता है। तीसरा प्रकार है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा वो मुद्रा होती है जो प्रामाणिक मुद्रा और बहुमूल्य धातुओं में संवैधानिक रूप से परिवर्तनीय नहीं होती है। और वर्तमान युग में प्रतिनिधि तथा परिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रणाली जो है वो खर्चीली और बेलोचदार होने के कारण व्यवहारिक नहीं रही, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र ऐसी मुद्रा प्रणाली को अपनाना चाहता है जो सस्ती हो, सरल हो, लोचदार हो, प्रगतिशील हो। और वास्तव में मुद्रा में जनविश्वास साख सरकार की साख नीतियों कार्यप्रणाली और स्थिरता पर निर्भर करता है। इसी कारण से आज विश्व के समस्त राष्ट्र जो हैं अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा जो है उस पर चल रही हैं, वहां अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रचलन में है। भारतीय मुद्रा भी इसी पर आधारित है। और इसकी विशेषताएं क्या है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा यानी इनकन्वर्टेबल पेपर मनी की? सबसे पहला तो यह है कि यह सीमित धात्विक कोष और प्रतिभूतियों की धरोहर के आधार पर किया जाता है इसका निर्गमन। दूसरा जो है वो मूल्यवान धातुओं में परिवर्तनशील नहीं होती है यह मुद्रा। और फिर तीसरा है कि विदेशी विनिमय की व्यवस्था सरकार के द्वारा इसमें की जाती है। और इसके जो गुण हैं वो इस प्रकार से हैं, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रायः कम खर्चीली होती है, मितव्ययी होती है, और लोचदार मुद्रा प्रणाली है, व्यवहारिक और प्रगतिशील मुद्रा प्रणाली है क्योंकि इसका संचालन सुगम होता है। कुछ दोष भी हैं इसके, जो सबसे वो ये है कि इसमें जनता का विश्वास कम होता है कई बार, और सरकार की साख और स्थिरता पर भी यह निर्भर करता है। फिर इस मुद्रा व्यवस्था में मुद्रा निर्गमन
जो धात्विक या अन्य कोशों से स्वतंत्र होता है, इसलिए इस व्यवस्था में मुद्रा प्रसार का भय अधिक रहता है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में किसी एक राष्ट्र की सीमा में ही कार्य स्वीकार्य होता है, अतः अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में अनेक जटिलताएं उत्पन्न होती है। एक ये भी इसकी इसका दोष है, और इसमें जालसाजी और धोखाधड़ी की संभावना भी अधिक रहती है, क्योंकि कई बार जाली नोट जो है वो प्रचलन में आ जाते हैं और सामान्य जनता के लिए सही और जाली जो नोट है उनमें अंतर करना मुश्किल होता है। और लास्ट जो पेपर मनी का टाइप है वो है फियाट मनी, यानी जिसको हम प्रादिष्ट मुद्रा भी कहते हैं। यह पत्र मुद्रा का ही एक रूप है और इसे संकटकालीन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। आमतौर पर यह देखने को नहीं मिलता है, और इस मुद्रा का निर्गमन किसी राष्ट्र द्वारा जो है वो सामरिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संकट के समय बिना किसी रक्षित कोष के अतिरिक्त राज्य व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाता है। सन 1789 में से लेकर 1796 में फ्रांस में प्रचलित एसआई नेटस, अमेरिका की क्रांतिकालीन और गृह युद्ध कालीन ग्रीन बैकस तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के मार्क जो था वो प्रादिष्ट मुद्रा के उदाहरण थे। और ये जो है पर्याप्त लोचशीलता के कारण प्रादिष्ट मुद्रा संकट के समय बहुत ही उपयोगी होती है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि मुद्रा जो है वो विभिन्न प्रकार से किस प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मनी, हाउ कैन इट बी क्लासिफाइड। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।